आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। जो बनाएंगे कच्चे आलू से हम बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए देखिए, मैंने बस दो कच्चे आलू का यूज किया है। दो कच्चे आलू से पूरी फैमिली के लिए हम यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं। तो दो कच्चे आलू को छील करके अच्छे से हम ले लेंगे और उसको कट करके एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। उसमें एक छोटा प्याज, दो तीन हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के बिना पानी का उसको पीस लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी सूजी डालेंगे और 2 से 3 चम्मच जो है पानी डाल के इसको पीस लेना है। तो इस तरह का हमारा बैटर देखिए तैयार हो गया है। फिर उसके बाद हम इधर एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गरम करके फ्रेंड एकदम ठंडा कर लीजिएगा और लो फ्लेम पे कर लीजिएगा। तब उसमें आप डालिएगा 1 चम्मच जो है सफ़ेद तिल डालिएगा, आधा चम्मच जीरा डालिएगा, थोड़ा सा हींग डालिएगा और उसके बाद इसको मिला के अच्छे से 1 कटोरी पानी डालेंगे जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पे हम नमक भी डाल देंगे। तो नमक मैं फ्रेंड भूल गई हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए पानी में हल्का हल्का जब उबाल आने लगेगा तो इसमें हम बैटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाते हुए ही हमको लो फ्लेम पे इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमको इसको पका लेना है, क्योंकि आलू हमारा जो कच्चा है, सूजी भी हमारी कच्ची है। तो इसको अच्छे से मिला करके इसको हमको पका लेना है। और इसको फिर देखिए, मैं भूल गई थी तो मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिएगा। अगर हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इन सारी चीज़ों को निकाल करके हमको इसको ठंडा कर लेना अच्छे से और इसको मिला लेना है। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, उस पर ऑयल लगा लेंगे और हाथ में भी ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से एकदम गोल सा हमको बना देना है। अगर आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से हाथ से दबा करके फिर उसके बाद बेलन से मैं थोड़ा सा बेल ली हूँ और यहाँ पे देखिए एक चाकू की सहायता से हम कट कर लेंगे। तो इसको फ्रेंड ठंडा करके ही इसको आप कट करिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से कट होगा। तो इसको देखिए हम जो है काट लेंगे, आपको जिस शेप में काटना है उस शेप में काट सकते हैं। बच्चों को जैसा पसंद है उस तरह से आप उनको बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितना मोटा काटा है। तो फिर यहाँ हम ऑयल ले लेंगे और ऑयल में इसको हम तल लेंगे अच्छे से। तो आपको अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी पसंद आती है तो दिल से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी ये रेसिपी बना सके। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा आप लोग कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो इसको देखिए हम उलट पलट करके इसको हम जो तल लेंगे और इसको फिर हम तल के निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे जो हमारी जो ये रेसिपी है उसको तल करके अच्छे से निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा सा ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही झटपट जो है बनके ये हमारा तैयार हो जाता है नाश्ता।